ठीक, फॉर द आरआरबी और एनी जेई लेवल एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं इंसुलेटर। ठीक, तो पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इंसुलेटर्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। सही, व्हाई वी रिक्वायर्ड इंसुलेटर। देखिए, मान लीजिए कि ये आपके पास कोई टावर है, ठीक, या पोल है, और आपको इससे कंडक्टर को वाउंड करना है या फिर बाइंड करना है या फिर बांधना है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली इस कंडक्टर को ऐसे करके नहीं बाउंड कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि अगर हमने ऐसा करा तो उस केस में क्या होगा, ये टावर भी आपका स्टील का होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपकी एक करंट फ्लो कर जाएगी, ठीक। तो कभी भी कंडक्टर को हम डायरेक्टली टावर के साथ बाउंड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें एक इंसुलेटिंग मीडियम चाहिए होता है जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मींस यहां पर हम क्या करते हैं, ये मैंने देखिए इंसुलेटर बना दिए, ठीक, तो यहां पे मेरा कंडक्टर है, कंडक्टर के बाद मेरे इंसुलेटर है, इंसुलेटर के बाद मेरे टावर है, ठीक। अब माना मुझे इसे आगे पास कराना है, तो मैंने आगे फिर से इंसुलेटर की स्ट्रिंग लगाई और ये मेरा कंडक्टर चला गया, ठीक। लेकिन अभी यहां पर क्या दिक्कत है कि कंटिन्यूटी नहीं है कंडक्टर में, सही, तो उस केस में क्या होता है, ऐसे करके एक जंपर केबल लगा दी जाती है, यानी करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन क्या होगी, यहां फ्लो हुआ, यहां फ्लो हुआ, ये फ्लो हुआ और ये फ्लो हुआ, ठीक। तो इस केस में क्या हुआ कि आपका जो टावर है उस पर करंट का कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा है, तो इसीलिए बेसिकली हम इंसुलेटर का यूज करते हैं। अब दूसरी चीज समझते हैं कि आपका जो इंसुलेटर है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक, इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, ठीक। तो पहला पॉइंट है आपका हाई रिलेटिव परमिटिविटी, हाई रिलेटिव परमिटिविटी मींस रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए। सेकंड है आपका पॉइंट हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आपकी जो भी इंसुलेटर के लिए आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों, एक्चुअली होता क्या है, टावर के साथ जब इंसुलेटर लगे होते हैं तो उस इंसुलेटर पे आपका कंडक्टर का लोड आता है, क्योंकि कंडक्टर का भी वजन अच्छा खासा होता है, तो एटलीस्ट इंसुलेटर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो कंडक्टर के लोड को बियर कर सके, ठीक, कंडक्टर लोड और उसके अलावा विंड लोड। अगर आप हिली एरियाज में जाएं, मतलब पहाड़ वाले एरिया में, ठीक है, तो बहुत ज्यादा उनका ऑल्टीट्यूड यानी बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं, तो ऊंचाई पे होने की वजह से जो हवा की स्पीड होती है, विंड की स्पीड होती है, वो बहुत तेज होती है, तो उसकी वजह से भी जो आपके इंसुलेटर होते हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, सही, तो वहां पे एटलीस्ट इतनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो कि वो उस लोडिंग को बियर कर सके, ठीक। तीसरा पॉइंट है आपका हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंसुलेटर की जो मटेरियल होती है उसका अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इट मींस उसमें लीकेज करंट कम से कम फ्लो करेगी, ठीक। और जनरली इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू होती क्या है, ये आपकी मेगा ओम में होती है, ठीक, और इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जो लीकेज करंट होती है आपकी वो आपकी मिनिमम होती है, ठीक, मतलब अगर हमारा इंसुलेशन ज्यादा है तो उसका लीकेज करंट बहुत कम होगा और मेगा ओम में इसकी वैल्यू होती है जनरली। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाई रेशियो ऑफ फ्लैश ओवर वोल्टेज या फिर सेफ्टी फैक्टर, ठीक, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि सेफ्टी फैक्टर या फिर हाई रेशियो ऑफ फ्लैश ओवर वोल्टेज आपका मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेम्परेचर वेरिएशन। मिनिमम होना चाहिए, इसका मतलब कहने का सेंस क्या है कि कई बार आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होती हैं, जैसे अगर गर्मी हो रही है तो अपने इंडिया की बात कर ले रहे हैं तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जा रहा है, और सर्दी हो रही है तो कई जगह माइनस में टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। तो यानी जो टेम्परेचर वेरिएशन हो आपके इंसुलेटर मटेरियल में वो मिनिमम हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि आपका जो इंसुलेटर है उसमें कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी कम से कम हो। ठीक, क्योंकि अगर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी आ गई तो उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसमें एक पॉइंट आपका और भी आता है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में कि थिकनेस से हम इसे कैसे रिलेट करते हैं। देखिए थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, इंसुलेटर की बात हो रही है, थिकनेस बराबर ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक, अब मैं दो केस कंसीडर करता हूं, मैं अपना जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है यानी ट्रांसमिशन लाइन का जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है उसकी वैल्यू सेम लेता हूं और दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के मटेरियल्स लेता हूं। तो देखिए पहला केस मान लेता हूं कि मेरा ऑपरेटिंग वोल्टेज 400 केवी है, 400 केवी। ठीक, और मेरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैंने मान लिया 40 है। ठीक, तो इस केस में मेरी थिकनेस क्या निकल के आएगी, 10। ओके, नेक्स्ट केस लेता हूं, ऑपरेटिंग वोल्टेज में अपना सेम रख रहा हूं यानी 400, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अब मैं क्या कर रहा हूं, बढ़ा दे रहा हूं। ठीक, यानी मैंने अब सीधे 40 से मैंने सीधे 100 कर दी। ठीक, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 4, और ये चीज क्या है, थिकनेस। यानी जैसे जैसे मेरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे मेरी इंसुलेटर की जो मटेरियल है उसकी थिकनेस डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो थिकनेस डिक्रीज हो रही है तो कॉस्ट भी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है और थोड़ा सा वेट भी डिक्रीज हो जाता है। एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7 पॉइंट, नॉन पोरस। नॉन पोरस से मतलब क्या है कि इंसुलेटिंग मटेरियल आपका इस टाइप का होना चाहिए कि उसमें कोई भी वाटर एब्जॉर्ब ना करे वो। ठीक, इसका मतलब क्या है कि कई बार बारिश हो रही होती है या फिर रेनी सीजन होता है तो उस समय इंसुलेटर मटेरियल अगर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी, और ये चीज इंसुलेटर के लिए सही नहीं है। तो इंसुलेटर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन पोरस। तो ये मैंने आपको 6-7 इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज बताई। ठीक, इस पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि भाई इंसुलेटर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कम होनी चाहिए। ऐसी थिकनेस से आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि थिकनेस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने या घटाने से थिकनेस पे क्या इंपैक्ट आता है। ठीक, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम मटेरियल फॉर इंसुलेटर। ठीक, कि हम कौन कौन से मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो जनरली 2-3 टाइप है आपके मटेरियल के। पहला है आपका पोर्सलीन, पोर्सी लीन। ठीक, सेकंड है आपका ग्लास, और थर्ड है आपका रबर। रबर, ठीक। तो पोर्सलीन की जो आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, पोर्सलीन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डीएस वो होती है अप्रोक्सीमेटली 6.4 केवी पर एमएम। ठीक, ग्लास की जो आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है 14 केवी पर एमएम। सही,
पोर्सलिन बेसिकली आपके तीन मटेरियल्स होते हैं, सिलिका प्लस फैंड स्पैर प्लस क्ले, इसके मिक्सचर से बनी होती है। ठीक, जनरली इसमें 20% सिलिका होती है और 30% फैंड स्पैर होता है और 50% क्ले होती है। ठीक, थोड़ी पोर्सलिन की बात करते हैं, तो आपने कहीं भी आसपास अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो या ट्रांसमिशन सिस्टम हो, वहां पे आपको ब्राउन कलर की डिस्क दिखती होंगी टावर के ऊपर जहां कंडक्टर लगा होता है, तो वो जो ब्राउन कलर का आपकी डिस्क होती है वो पोर्सलिन की ही होती है। पोर्सलिन की जो प्रॉपर्टीज और भी होती हैं, वो एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें पोरोसिटी की प्रॉपर्टी यानी वाटर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी बहुत ही कम होती है, मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिसकी वजह से इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो भी है वो मेंटेन रहती है। ठीक, ग्लास की बात करते हैं, तो ग्लास की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपकी 14 kV/mm है, और ग्लास का एक प्लस पॉइंट, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, इसका टेम्परेचर कोफिशियंट इज लोअर फॉर थर्मल एक्सपेंशन। इस लाइन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर में कितना भी वेरिएशन आए, सही, मतलब मैं बोल रहा हूं कि कहीं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और कहीं पे आपका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सही, तो कितना ही वेरिएशन आ रहा है लेकिन इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो है, यानी इससे बहुत ही कम इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक, लेकिन ग्लास में एक और फायदा भी है कि कोई भी आपका अगर फॉल्ट आता है, फॉल्ट या फिर फ्लॉ, फ्लॉ माने होता है दरार, चटकना, ठीक, तो इस चीज को इजिली फाइंड आउट करा जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी ग्लास होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इजिली हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहां पे फ्लॉ आया है। फ्लॉ होने से होता क्या है, बेसिकली ट्रैपिंग ऑफ एयर। फ्लॉ होने से क्या होता है कि अगर दरार आ गई तो उसमें एयर आ जाती है, और एयर आने की वजह से ग्लास की जो आपकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है, वो आपकी कम हो जाती है। लेकिन दूसरी बात है कि ये चीज क्योंकि ट्रांसपेरेंट होती है तो हम इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। एक और पैरामीटर पे बात कर लेते हैं, ग्लास और रबड़ की। अगर मैं बात करूं, दो पैरामीटर है मेरे, एक है मेरी थर्मल स्ट्रेंथ और दूसरा है मेरा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अगर मैं ग्लास की बात करता हूं तो ग्लास में जो थर्मल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक, लेकिन अगर मैं रबड़ वाली बात करता हूं कि अगर हमारा इंसुलेटर का मटेरियल रबड़ है तो उस केस में थर्मल स्ट्रेंथ कम होती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अगर हमारा रबर का इंसुलेटर बना हुआ होता है तो उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट भी होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ग्लास। तो ये मैंने आपको तीनों टाइप बता दिए कि किस किस टाइप के आपके इंसुलेटर डिस्क यूज होती हैं। जनरली हमारे इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में पोर्सलिन की ही डिस्क यूज होती हैं। ठीक, ग्लास का ज्यादा यूज अभी तक नहीं हो रहा है। ठीक, रबर का बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा है, बहुत ही माइनर सा यूज हो रहा होगा, इसके इंसुलेटर हमारे यहाँ यूज नहीं होते हैं। लेकिन अगर चाइना की बात करें या फिर फॉरेन कंट्रीज की बात करें, आपको यूट्यूब पर वीडियो ही मिल जाएंगे, तो वहां पे ग्लास के डिस्क बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक, तो ये आपके टाइप्स हो गए इंसुलेटर मटेरियल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि आपके टाइप्स ऑफ इंसुलेटर कौन कौन से होते हैं। ठीक, बेसिकली टाइप ऑफ इंसुलेटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिए। देखिए, टाइप्स ऑफ इंसुलेटर में पहले इंसुलेटर की बात करते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर, पिन
टाइप, पिन टाइप इंसुलेटर। ठीक, बेसिकली जो ये इंसुलेटर आपका यूज होता है ये अप टू 33 केवी तक यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देख लेते हैं कि ये आपका एक कंडक्टर जा रहा है, ये हमने इस तरीके का होता है। थोड़ा और समझते हैं इसे फिजिकली। देखिए, एज्यूम कर लीजिए कि मैं टावर हूं, ठीक, और ये मेरे दो क्रॉस आर्म है, एक ये क्रॉस आर्म है और एक ये क्रॉस आर्म है, सही। तो मैंने क्या करा, इस क्रॉस आर्म पे यहां पर इंसुलेटर डिस रख दी, यानी पिन टाइप इंसुलेटर रख दिया, ठीक, ऐसे मैंने फिट कर दिया और यहां से एक कंडक्टर पास हो गया, सही। रिपीट कर रहा हूं, ये मैंने इंसुलेटर डिस रख दी यहां पे, ठीक, और यहां से आपका कंडक्टर पास हो रहा है। तो मतलब क्या है कि जब मैं इस इंसुलेटर को, पिन टाइप इंसुलेटर को यहां पे रख रहा हूं तो यहां भी मुझे फिटिंग करनी पड़ेगी, मींस इसके यहां भी एक पिन होगी, सही, जिस पिन के थ्रू मैं यहां पर इसे फिट करूंगा जो टावर की क्रॉस आर्म है, सही, और ये मेरा कंडक्टर पास होगा, ठीक है। तो ये आपका पिन टाइप इंसुलेटर है, सही। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अप टू 33 केवी तक ही हम इसका यूज करते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई 33 केवी से ज्यादा वोल्टेज पे हम इसका यूज क्यों नहीं करते हैं? तो उसका रीजन क्या होता है कि इफ वोल्टेज लेवल ग्रेटर देन 33 केवी, ठीक, देन इट्स साइज बल्की, इसका जो साइज होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। साइज बल्की हो जाएगा तो फिर जो कॉस्ट है वो आपकी ज्यादा हो जाएगी, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो नॉट इकोनॉमिकल। और एक पॉइंट ये भी होता है कि बल्की होने से इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे फर्क आता है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी आपकी रिड्यूस होती है, तो इसीलिए हम 33 केवी तक यूज करते हैं, ठीक। थोड़ा सा इसका और कंस्ट्रक्शन देखते हैं पिन टाइप इंसुलेटर का, कि ये आपका कंडक्टर जा रहा है, ठीक, ये एक लाइन खींची मैंने, ठीक। अब यहां पे एक बार ऑब्जर्व करते हैं कि ये आपका क्या है, कंडक्टर, ठीक, इसे कंडक्टर बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, शेड, शेड्स और पेटीकोट, ठीक। इस चीज को क्या बोलते हैं, ये चीज है आपकी गैल्वनाइज्ड स्टील पिन, गैल्विनाइज्ड स्टील पिन। इस पिन को हम जो हमारी टावर की क्रॉस आर्म होती है उस पर फिट कर देते हैं, जिससे ये हमारा स्टेशनरी रहता है। दूसरा, यहां पर एक ग्रूव बनी होती है, GROVE, ये ग्रूव क्या होती है, जिसमें हम कंडक्टर को बांधते हैं, जहां से हमारा कंडक्टर पास होता है। थोड़ा सा और देखते हैं, ये इस तरीके की होती है, ये कंडक्टर जा रहा होता है, ठीक, और हम जिस कंडक्टर से इसे बांधते हैं, ठीक है, वो हमारा सेम मटेरियल का होता है जिस मटेरियल का कंडक्टर होता है, सही। मतलब कहने का सेंस क्या है कि एक तो कंडक्टर आपका जा रहा है, ये एक मटेरियल का है, और ये आपका यहां पे मान लेते हैं इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक, ये टावर था, ये टावर क्रॉस आर्म है माना, ठीक, ये टावर की क्रॉस आर्म है, तो यहां पे आपको इसे वाउंड करना होगा, तो वाउंड करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो हम किसी और मटेरियल का यूज नहीं करते हैं, हम जनरली जिस मटेरियल का हमारा ट्रांसमिशन कंडक्टर या डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर होता है हम उसी टाइप के मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। प्लस एक पॉइंट और भी रह गया इसमें कि ये बेसिकली सीमेंटेड होता है, ठीक। अभी दिमाग में क्वेश्चन और अराइज होता है कि भाई इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों है। दरअसल इसका स्ट्रक्चर ऐसा इसलिए है कि अगर बारिश होती है, अगर आपकी रेन हो रही है, तो ऐसे स्ट्रक्चर होने की वजह से
जो पानी है वो आपका यहाँ पे कलेक्ट नहीं होगा, जो भी बारिश हो रही होगी वो यहाँ से गिरती जाएगी, यानी इसमें मॉइस्चर या फिर वाटर को एब्जॉर्ब करने वाली चीज नहीं होगी, तो इस वजह से इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक, इसके अलावा इसमें एक चीज और ही पूछी जाती है, फ्लैश ओवर वोल्टेज। पिन टाइप इंसुलेटर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि हाई सेफ्टी फैक्टर, हाई सेफ्टी फैक्टर, जनरली इसकी वैल्यू 10 होती है। ठीक, और इसका फॉर्मूला होता है पंचर स्ट्रेंथ अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज। ठीक, तो पॉइंट आपको याद रखना है कि सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू हमेशा हाई होनी चाहिए और इसका फॉर्मूला ये होता है। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये फ्लैश ओवर वोल्टेज होता क्या है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूं पिन टाइप इंसुलेटर का। ये हमारा कनेक्टर जा रहा था, ये है आपका, अब यहां से एक तरफ से बना दे रहा हूं मैं, और ये आपकी पिन है। ठीक, ये पिन है, यहां पे लिख भी दे रहा हूं कि ये आपका कंडक्टर है और ये आपकी पिन है। सही है, कंडक्टर ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंडक्टर और पिन जो आपको टावर के क्रॉस आर में फिट करनी है। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि जनरली तो हमारी जो एयर होती है वो एज अ डाइलेक्ट्रिक होती है, लेकिन जब हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू काफी ज्यादा होती है तो उस केस में क्या होता है कि जो एयर भी होती है वो उसके आयोनाइज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सही, तो आयोनाइज होने में दो केस बनते हैं यहां पर। एक तो ये बनता है कि आपकी जो लीकेज करंट फ्लो कर रही है वो ऐसे फ्लो करेगी, ठीक, और ये आपकी मेटालिक पिन है, सही, गैल्वनाइज्ड पिन, और यहां तक आ जाएगा लीकेज करंट। लेकिन करंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। मींस स्टार्टिंग में आपका ये डिस्टेंस हमने मान ली ए, उसके बाद ये डिस्टेंस मान ली बी और ये डिस्टेंस मान ली सी, तो वो स्टार्टिंग में इस रूट को फॉलो करेगा, इस पाथ को। सही, तो इस केस में क्या होता है, जब ऑपरेटिंग वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है तो उस केस में क्या हो जाता है कि इतने पोर्शन में एक आर्क प्रोड्यूस हो जाता है, आर्क। ठीक, इस आर्क के प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि हीट रिलीज होती है। ठीक है, लेकिन हमारा ये जो डिस्क है या फिर हमारा इंसुलेटर है ये वर्क करता रहता है, लेकिन जैसे जैसे हीट की वैल्यू ज्यादा होती जाती है वैसे वैसे इसके पंचर होने की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होती जाती है। तो फ्लैश ओवर वोल्टेज हमारा वो होता है कि जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर हमारी जो इंसुलेटर है, पिन टाइप इंसुलेटर है, वो पंचर हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसलिए सेफ्टी फैक्टर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। ठीक, तो ये आपका हो गया पिन टाइप इंसुलेटर। हाई वोल्टेज के लिए हम इसे यूज नहीं करते हैं और जनरली ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन में ही यूज होता है, ट्रांसमिशन में इसका यूज बहुत ही रेयरली है। ठीक, नेक्स्ट टाइप है आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सस्पेंशन टाइप, सही, इसकी पॉइंट क्या है इसका कि ये ग्रेटर देन 33 केवी के लिए यूज होता है। हम 33 केवी के लिए यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज हमारे इंडिया में है 765 केवी, और वहां भी हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक, बेसिकली सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में हमारी इंसुलेटर डिस्क की स्ट्रिंग्स होती हैं, जैसे ये आपका कंडक्टर जा रहा है, सॉरी कंडक्टर नीचे जाएगा इसमें, ये आपकी डिस्क हो गई, ये फिर एक डिस्क ये हो गई, फिर ये डिस्क हो गई, ये फिर एक डिस्क हो गई, ये आपका टावर था और ये टावर का क्रॉस आर्म और ये आपका कंडक्टर
पास कर रहा है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये है आपका क्रॉस आर्म, सही, और ये है आपका कंडक्टर। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कि इसमें हमारी नंबर ऑफ डिस्क होती है, सही, जनरली 8 डिस्क हमारी 11 केवी फेज वोल्टेज को सपोर्ट करती है। ठीक, मान लेते हैं 33 केवी फेज वोल्टेज है तो हमें कितनी डिस्क चाहिए, मिनिमम 3 डिस्क चाहिए, सही, मिनिमम। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के एडवांटेजेस भी हैं कुछ, जैसे कि आप एज्यूम कर लीजिए कि आज आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन जा रही है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है 132 केवी, ठीक, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है पावर की और आपको ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ाना है 132 केवी से मान लेते हैं 220 केवी करना है, तो उस केस में क्या होता है कि हम इसमें नंबर ऑफ डिस्क इंक्रीज कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं, हमें अलग से टावर लगाने की, अलग से पूरा सिस्टम लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो एक इसका फायदा क्या होता है कि इंक्रीज डिमांड, अगर डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है देन एड अप अनदर डिस्क, ठीक, लेकिन यह बात याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ाएंगे तभी हम डिस्क ऐड करेंगे, ऐसा नहीं है कि सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज पे हम डिस्क ऐड कर रहे हैं, एक बात। दूसरा, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये आपकी स्ट्रिंग होती है, सही है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी काफी ज्यादा होती है। थर्ड, इजिली रिपेयर, सही, इजी रिपेयर से मतलब क्या है हमारा कि मान लेते हैं कि हमारी कोई पर्टिकुलर डिस्क पंचर हो गई, सही, अब अगर हमारी कोई पर्टिकुलर डिस्क पंचर हो जा रही है तो उस केस में क्या होना है कि हम उस पर्टिकुलर डिस्क को हटा देंगे और एक दूसरी डिस्क वहां पे फिट कर देंगे, मतलब हमें अपनी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, तो ये भी एक इसका मेजर एडवांटेज होता है। तो ये हो गया आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। और एक पॉइंट और कि जनरली ये आपका वर्टिकली होता है, सही, वर्टिकल का मतलब क्या है कि माना मैं टावर हूं, ये मेरे क्रॉस आर्म हो गए, ठीक, तो ये मैंने ये जो पैन है मेरे हाथ में ये मेरी आपकी इंसुलेटर डिस्क हो गई सस्पेंशन टाइप और नीचे से कंडक्टर पास कर जाएगा, ठीक, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं वर्टिकल। तो ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हो गया। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इंसुलेटर डिस्क का, वो है आपका स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर लिखता हूं मैं तीसरा, स्ट्रेन, एस टी आर ए आई एन, स्ट्रेन इंसुलेटर, सही, स्ट्रेन इंसुलेटर बेसिकली हॉरिजॉन्टल होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सस्पेंशन आपका वर्टिकल है वैसे स्ट्रेन इंसुलेटर आपका हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे ये माना टावर की क्रॉस आर्म हो गई, सही, यहां से ये है, ये मैंने 8 डिस्क लगा दी, फिर 8 डिस्क आ गई, फिर 8 डिस्क आ गई, ठीक, और यहां से कंडक्टर पास हो गया, ये आपकी डिस्क है और ये आपका कंडक्टर यहां से पास हो रहा है, सही। तो बेसिकली स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज हम कहां करते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला है जहां पे डेड एंड ऑफ लाइन होता है, डेड मतलब जहां पे आपकी ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आपकी कोई टर्मिनेट हो रही हो, तो जहां डेड एंड ऑफ लाइन होता है। अच्छा, डेड एंड ऑफ लाइन से मतलब एक और भी होता है कि ऐसी जगह पे जो टेंशन की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उस टेंशन को बियर करने के लिए हम स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज करते हैं। और हम कहां यूज कर सकते हैं, कॉर्नर का मतलब क्या है कि आप कहीं भी अगर ट्रांसमिशन लाइन जा रही है तो ऐसा तो है नहीं कि एक टावर, दो टावर, तीन टावर स्ट्रेट जा रही है, कहीं ना कहीं कोई मोड़ आएगा, फिर माना अब माना ये ऐसे जा रही है तो यहां तक तो हमने चलो सस्पेंशन यूज कर लिया, लेकिन यहां पर टेंशन की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक, तो यहां पर हम स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज करते हैं। इससे हम यही बोल देते हैं जहां पर शार्प कर्व होता है, ठीक, और एक जगह इसका और यूज होता है, लॉन्ग स्पैन
ऑफ रिवर, सही। यहां पे क्या होता है कि माना आपकी ट्रांसमिशन जा रही है, बीचों की नदी आ गई, सही। अब नदी की जो आपकी विथ है, चौड़ाई है, मान लेते हैं 200 मीटर है, तो उस केस में क्या होता है, मान लेते हैं ये है, ये है, सही है, 200 मीटर डिस्टेंस है। तो अब आपने एक टावर यहां लगा, एक टावर यहां पे लगा रखा है, ठीक। तो ये जो कंडक्टर जा रहा है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, और जब कंडक्टर की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई तो उसका वेट भी ज्यादा हो गया, और अगर वेट भी ज्यादा हो रहा है तो उस केस में टेंशन की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। तो जनरली इन चार केसेस में हम स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज करते हैं। एक आखिरी टाइप और बचा है, वो है आपका शैकले टाइप, SHACKLE। शैकले टाइप भी आपका अप्रोक्सीमेटली सेम ऐसा ही इंसुलेटर होता है, लेकिन सिंगल डिस्क होती है, सही। और ये हमारा लेस देन 11 केवी के लिए यूज करा जाता है। तो आपको पिन टाइप इंसुलेटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दिख जाएंगे, और शैकले टाइप इंसुलेटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दिख जाएंगे। लेकिन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर और उसके बाद स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, ये आपको ट्रांसमिशन सिस्टम में ही दिखेंगे, ठीक।